BSRTC यानी कि बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1959 में और ये हैंडल करता है मोर देन 4000 बसेस और इसके फ्लीट साइज में है इवन वॉल्वोज। तो आज मैं आपको जर्नी दिखाने जा रहा हूँ इस वॉल्वो लग्जरी AC स्लीपर की। ये चलती है बिटवीन दिल्ली एंड पटना, डिस्टेंस अराउंड 1100 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा कम से कम आप मान लीजिए 24 आवर्स। शुरू करें? नहीं दोस्त, ऐसे नहीं, आपको स्टाइल पता था, कमांड, जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और अगले 20 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, बिकॉज मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए, मेरे साथ ट्रैवल कीजिए फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया टू द कैपिटल ऑफ बिहार। सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए, बिकॉज आज की जो जर्नी होने जा रही है ये होने जा रही है टुवर्ड्स बिहार। और जैसे ही बिहार का नाम आता है लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और ये वाली बस जर्नी होने जा रही है इन BSRTC यानी कि बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वॉल्वो D11R। दोस्त इस वाले व्लॉग को ना पूरा देखिएगा, बिकॉज ये होगा अब तक का, मैं आपसे कह सकता हूँ, सबसे मज़ेदार व्लॉग। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है डुलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। तो मैं आपको बता दूँ करंटली टाइम हुआ है 3:45, अगर ये विजिबल हो। मैं खड़ा हूँ कौशंबी बस स्टैंड और जो हमारी ये वॉल्वो बस है ये है 4:30 बजे की। तो इस वाले व्लॉग को पूरा देखिए, बिकॉज इस वाले व्लॉग में मैं आपको बस का इंटीरियर दिखाऊंगा, कॉस्टिंग वगैरह, किस रूट पर चलती है, सब कुछ, सब डिटेल्स आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी। बट पहले AC चालू होने दीजिए, बस को चालू होने दीजिए, बिकॉज थोड़ा सा टाइम बाकी है, फिर आपको अंदर लेके चलेंगे और इसका इंटीरियर भी दिखाएंगे। अगर आप देखोगे पीछे क्या है, थोड़ा इंजन पे अभी पीछे वहाँ कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और यहाँ देखिए आप UPSRTC की AC नॉन AC ना जाने कितनी बसेस देख सकते हैं, यहाँ पर आप पब्लिक देखिए। आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए वीगो ऐप। वीगो बेस्ट ट्रैवल ऐप है जो अवेलेबल है इन मैनी करेंसीज एज वेल एज लैंग्वेजेस। और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड होटल्स बुक कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू वीगो ट्राई कीजिए, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है चीपेस्ट फेयर्स। फ्लाइट्स के लिए आप वेबसाइट देख सकते हो जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट्स जैसे कि स्पाइस जेट हुआ, इंडिगो हुआ। होटल्स के लिए Airbnb या वेबसाइट्स लाइक booking.com एंड मैनी मोर। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर वीगो ऐप आपके पास ऑलरेडी है तो अपडेट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स एज वेल एज IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। और अगर आप मेरी तरह लास्ट मिनट पर बुकिंग करते हो तो वीगो आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप। बताइए और क्या चाहिए, तो वीगो को डाउनलोड कीजिए और वीगो के साथ ट्रैवल कीजिए। अगर ये हमारी पहली मुलाकात है तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले महाराष्ट्र की, राजस्थान की, हिमाचल की प्लस कर्नाटका की स्टेट रोड की मैं पहले भी बसेस कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर। और आज हम बात करने जा रहे हैं BSRTC की।
अब आपको इसका ऑनलाइन बुकिंग का बता दूं, आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, प्लस यहाँ पर काउंटर है, आप ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ गया था, मैंने ऑफलाइन बुकिंग की है बिकॉज ऑफ कोविड। अभी क्या है, डिमांड उतनी नहीं है तो टिकट्स इजीली अवेलेबल है। अबाउट द फ्रीक्वेंसी, दिस बस डज नॉट गो एवरी डे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये वाली वॉल्वो B11R एवरी डे नहीं है, आई गेस दिल्ली से आपको मिलेगी हर 4 दिन में। तो जब भी आप बुकिंग कर रहे हो प्लीज़ सब कुछ ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। और यहाँ का वेदर दोस्त, यहाँ की गर्मी देखो, कर दो भाई AC स्टार्ट कर दो भाई। पहले ये टाइम देख लीजिए, इट इज़ 5:02 PM एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ अभी भी हम कौसम्बी बस स्टैंड पर ही खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी आप कह लो। दादा बता रहे हैं पीछे वॉल्वो में कुछ इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और भाई वॉल्वो का यही प्रॉब्लम है, एक पार्ट ख़राब होता है ना तो बस काम दुगना तिगना हो जाता है। कुछ 5-6 पैसेंजर्स आ चुके हैं, कुछ बस के अंदर बैठे हैं गर्मी में, कुछ बाहर वेट कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्त जल्द से जल्द ये वाली टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाए और भाई सफ़र शुरू करें यार। टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी है दोस्त सॉल्व एंड नाउ वी आर ऑल सेट, बट जर्नी की शुरुआत हो उससे पहले आपको इंटीरियर दिखाना तो बनता है कि नहीं बनता, अगर आप ये वाली ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो आइए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और पूरा दिखाता हूँ कि अंदर से ये वाली वॉल्वो B11R आखिर है कैसी। ये देख लीजिएगा, ये इसकी एंट्री है। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पर 2x1 का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये देख लीजिए लाइट्स वगैरह सब फर्स्ट क्लास, यहाँ पर कर्टेंस दिए गए हैं फॉर प्रिवेसी। ये देखिएगा कलर देख लीजिए, पूरा मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखा दूँ। ये देख लीजिए, ये इसका इंटीरियर, ये डबल, और ये अगर आप सिंगल देखोगे, और जो इस बार मेरे को सीट मिली है वो ये है, ये थर्ड लास्ट सीट लोअर, दिस इज 27। आपको एक बार मैं पीछे तक पूरा एक बार और दिखा दूँ, ये देख लीजिएगा यहाँ पर ये ऐसा है। तो जो मेरे को सीट दी गई है वो ये है L27। अभी बिल्कुल AC स्टार्ट किया है तो आपको इसलिए ऐसा लग रहा होगा थोड़ा टाइम लगेगा पूरी बस को कूल होने में। अब मैं आपको बता दूँ टोटल पैसेंजर कैपेसिटी इसमें है 41। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से CCTV कैमराज दिए गए हैं, प्लस लगेज के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए टैग भी दिया गया है ताकि हमारा लगेज बिल्कुल सेफ रहे। बस आई गेस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी आर रेडी टू डिपार्ट। जितने पैसेंजर हैं सब बोर्ड कर चुके हैं। फर्स्ट इंप्रेशन मैं तो कहूँगा भाई अच्छा है, अगर सीट भी देखोगे बिल्कुल दिस इज़ कम्फर्टेबल। चार्जिंग पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, रीडिंग लाइट्स प्लस AC का सब कुछ फर्स्ट क्लास है। हमने लिया है पहला स्टॉप। अब आपको बता दूँ हम पहुँच चुके हैं जेवर, जो आता है UP के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये हमने ब्रेक लिया है डीजल के लिए। आपको बता दूँ इस वाले वॉल्वो की जो टोटल डीजल कैपेसिटी है इट इज़ अराउंड 360 लीटर्स। करंटली इसमें डाला जा रहा है कुछ 320 लीटर्स, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कुछ अराउंड 30 से 32 हज़ार रुपये का डीजल इसमें डाला जा रहा है। आप ये देख लीजिए, और आपको एक दो चीज़ें और बता दूँ, यहाँ पर एक हमें कॉम्प्लीमेंट्री 1 लीटर की पानी की बॉटल भी दी गई है। बस डीजल भरा दिया जाए और फिर जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बट यमुना एक्सप्रेस वे पर दोस्त क्या मक्खन की तरह वॉल्वो B11R चलती है।
आप ये मानो ऐसे चलती है जैसे प्लेन ज़मीन पर चल रहा हो। देखो ऑन कैमरा मैं नेगेटिव चीज़ें दिखाता नहीं हूँ, बट दिस हैज़ टू बी शोन। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम पता नहीं ऑलरेडी कितना लेट चल रहे हैं। अभी गाड़ी में डीजल डाला गया है, अब वो जो कंडक्टर साहब हैं वो पेमेंट करने गए हैं, अब वो बता रहे हैं कार्ड काम नहीं कर रहा। तो यहाँ गाड़ी को खड़े खड़े ऑलमोस्ट आधा घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। देखो बस के बारे में नो इश्यूज़, बट अबाउट द मैनेजमेंट प्लीज़, अगर BSRTC से कोई ये वीडियो देख रहा है तो ज़रा प्लीज़ मैनेजमेंट पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। पता नहीं दोस्त, मेरे को खुद नहीं पता ऑफिशियली पटना में अब कितने बजे पहुंचूंगा। देखो कायदे से 2 बजे का टाइम है दोपहर का, बट सच में अगर ऐसी हालत रही तो पता नहीं कितने बजे हम पहुंचेंगे। और ट्रैफिक और मिलेगा भाई, सच में नहीं पता क्या होने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कंडक्टर साहब को गए आधा घंटा, तो आधे घंटे से ऊपर ही हो गया आप मान लो। इट इज़ 8:45 राइट नाउ। बस बंद करी हुई पूरी यहाँ पर देखो खड़ी है। हुआ कुछ? किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद अब हमने लिया है ऑफिशियल हॉल्ट नंबर 2, और ये है डिनर वाला ब्रेक। अगर आप देखोगे हम रुके हैं होटल शिवा ढाबा। मैं आपको बता दूं जो यमुना एक्सप्रेसवे का वृंदावन वाला एग्जिट है हमने वो लिया है, और वृंदावन से अब हम सिर्फ अगर आप देखोगे मुश्किल से 7 किलोमीटर्स बिफोर है। बिकॉज मैं आपको बता दूं मैं तो फ्रूट्स प्लस ड्राई फ्रूट्स दोनों कैरी कर रहा हूं, तो दोस्त मैं यहां तो कुछ फ़िलहाल खाने वाला हूं नहीं। पर आप देखिए बस मस्त लगती है, और आपको इस बस में ऑन बोर्ड फ्री वाईफाई भी दिया गया है। कहीं से एक चीज़ ये ज़रूर है, कहीं से भी नहीं लगता कि भाई दिस इज़ स्टेट रोड की बस है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है आपको प्राइवेट वाली। जितने पैसेंजर हैं वो सब उतरे हैं, आप कुछ खाएंगे पिएंगे, वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे, और फिर से एक बार यहाँ से सफ़रनामा इन दिस वॉल्वो B11R शुरू होगा। डिनर मैं करने नहीं वाला, तो दोस्त अपने पास है टाइम ही टाइम। अब ज़रा मैं आपको BSRTC वॉल्वो के बारे में बता दूं। इनके पास टोटल 6 वॉल्वो हैं, जिसमें से 5 सीटर है और 1 स्लीपर जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूं। इस वाली बस की अगर आप ऑन रोड कॉस्टिंग देखोगे सब कुछ मिला मिलू के इट इज़ 1.5 CR। अब आपको ज़रा कॉस्टिंग और बता दूँ टिकट का जो मैंने पे किया है। देखिए फ्रॉम दिल्ली टू पटना वन वे पर पर्सन इट इज़ अराउंड 2047। चेयर कार भी जाती है उसका फेयर है कुछ 1700, बट जब मैंने प्राइवेट बसेस देखी थी AC स्लीपर ऑन द सेम रूट दिल्ली टू पटना उनका फेयर था 1200 या 1300। तो इस वाली जो गवर्नमेंट बस है इसका दोस्त फेयर ज़्यादा है, बट मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ अगर आपको कंफर्टेबल जर्नी चाहिए तो ये वाली बस में ट्रैवल ज़रूर कीजिए। दिस इज़ वॉल्वो B11R। और आप जानते हो BSRTC की बसेज एवरी डे कितने पैसेंजर्स यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 80,000। चुके हैं और अभी भी हम यमुना एक्सप्रेस वे पर ही हैं। आप सोच लीजिए, अब आपको बता दूँ इसमें 2 ड्राइवर दादा हैं, बिकॉज इतना लंबा सफ़र है तो ड्राइवर दादा रेंडमली यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। अब आगरा आएगा वहाँ से पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे, अलग अलग जगह से अब पैसेंजर्स बोर्ड करते रहेंगे। ये बस जाएगी नॉन स्टॉप, बिकॉज इस वाली बस में वॉशरूम नहीं है, तो आई एम श्योर जगह जगह ये बस रुकेगी फॉर वॉशरूम्स फॉर पैसेंजर्स, ठीक है ना। तो आज के सफ़र के लिए दोस्त इतना ही। अब आपसे देखते हैं मेरे आगे आपसे मेरी कहाँ मुलाकात होती है। बस दुआ मैं इतनी कर रहा हूँ कि बस ऑन टाइम तो नहीं, बट एटलीस्ट मतलब ठीक ठाक टाइम पर पहुँच जाए। थोड़ा सा दोस्त आराम करेंगे बिकॉज बैक टू बैक जर्नीज हो रही हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ, देखते हैं आपसे कहाँ मुलाकात होती है, ठीक है।
ना, एसी चल रहा है, कर्टेंस हैं प्रिवेसी के लिए, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे, गुड नाइट। अब तुम्हारा दोबारा हमें पैसेंजर मत देना सर। मुस्कुराइए जनाब, मुस्कुराइए। अब आप लखनऊ में हैं, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग। पहले टाइम देख लीजिए, इट इज़ 4:06 AM। पीछे आप देखोगे वो है आलमबाग बस स्टेशन, और इस साइड हमारी बस, यहाँ थोड़े से पैसेंजर्स कुछ और बोर्ड कर रहे हैं। और दोस्त रात को क्या, मतलब क्या नींद आई है यार, ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब इन अ मूविंग बस मैं सो रहा हूँ। ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएंगी, थोड़े पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ वापस सोने, दिन निकलने दीजिए, सुबह होने दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। चलें, हाँ चल रहे, चलो। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, अब हमने लिया है एक और ब्रेक। मैं आपको बता दूँ सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं इस तरफ, दिस इज़ NH 27, और हम गोरखपुर से थोड़ा आगे हैं। यहाँ लिया है हमने ब्रेकफास्ट का ब्रेक, यहाँ पर जो ढाबा है दैट इज़ फौजी ढाबा। दोस्त खाने में मेरे को दम लग नहीं रही, तो फिलहाल यहाँ चल रहा है शुगर केन जूस। मैं दोस्त ऐसे गर्मी में कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहता भाई, फूड पॉइजन हो या तबीयत ख़राब हो, बैक टू बैक ट्रैवल करना है। फिलहाल आई गेस ऐसा लग रहा है शुगर केन जूस से ही काम चलाना पड़ेगा। इस तरफ बस देख लो, और भाई यहाँ की गर्मी करना पड़ता है। तो उस ट्रैवलिंग में बस यही, ऐसा ही करना पड़ता है, जो है उसके साथ मैनेज कीजिए बस। शुगर केन जूस हो गया, और देख लो लकीली यहाँ पर दोस्त फ्रूट सैलेड भी मिल गई है। बस भाई ये हुई ना बात, इससे ही काम चलाएंगे। पपाया खाइए, पाइनएप्पल खाइए, कम खाइए बट अच्छा खाइए, और खुश रहिए, बिकॉज दोस्त अभी ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं पटना पहुंचूंगा, पता नहीं पहुंचूंगा कितने बजे। ये देखो, ये कोई नॉन एसी सीटर, आई गेस ये भी पटना ही जा रही है, दिस इज स्लीपर। हाँ, वो रही बस। अब जितने पैसेंजर हैं पटना के लिए, अराउंड 9 पैसेंजर्स। 3 प्लेट फ्रूट सैलेड खाई है और थोड़ा पार्सल कर लिया। बस भाई यार, दीज ढाबा चॉइसेस कैन बी लिटिल बेटर एज पर वॉल्वो। यार खाने का मेरे को सच में नहीं पता, बट अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो, मैं तो सजेस्ट करूँगा खुद का खाना कैरी करो, क्वालिटी वाइज आप बस समझ जाइए। अब बिकॉज हम बिहार की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ बिहार का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये है इंडिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, और एरिया वाइज उसकी रैंक है 12th। अब आपके लिए सबसे पहले एक होमवर्क, अगर आप बिहार से ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पता है कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा ज़रूर। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, और बिहार से आपको मिलते हैं एजुकेटेड मैथमेटिशियन प्लस UPSC टॉपर, और इस साल का भी जो UPSC टॉपर है ही इज़ फ्रॉम बिहार। तो भाई आप बिहार को कम मत आती है। एक वाइड लेंस में ढाबा देख लो, और इस तरफ फिर से आपको बता दूँ, दिस इज़ नेशनल हाईवे 27, NH 27। दादा रेडी, दादा एक बार फिर से बैठ गए सीट पे। भाई इनकी हिम्मत है यार, मतलब दो ड्राइवर दादा हैं, इनकी हिम्मत है, इतना लंबा ये ड्राइव करते हैं। अब
अभी यहाँ पर हमारी चल रही है वॉल्वो की केबिन राइड। सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ, ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 75 राइट नाउ। मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड इस वॉल्वो B11R की है 80। यहाँ पर देख लीजिए, दोनों ड्राइवर दादा हमारे साथ हैं जो रैंडमली ड्राइव कर रहे हैं, और करंटली हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 28 पर। और बिकॉज देख लीजिए, इसमें है रेयर इंजन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको वॉल्वो में केबिन में कितनी सारी स्पेस मिलती है, ये देख लीजिएगा। और दोस्त, बस पीछे पैसेंजर्स हैं, आगे सफ़रनामा चल रहा है। और अगर आप मुझसे पूछो पर्सनली, भाई मुझको तो आगे केबिन में ज़्यादा बैटरी में मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू बिहाइंड। सही ना दादा, मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल। और सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमराज वगैरह हैं, कोई भी टेंशन नहीं। ये चीज़ ज़रूर है, अब पता नहीं ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि नॉर्मली इस बस में ऐसा होता है, आई एम नॉट अवेयर। मतलब बस कहीं भी रुक रही है, मैं तो कहूँगा टोटल सरकारी बस है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई बस टाइम पर चले। आप बिलीव करोगे, ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, करंट टाइम इट इज़ 5 o'clock, और जहाँ मुझे उतरना है अभी भी यहाँ से गूगल मैप्स ऑलमोस्ट 2 घंटे दिखा रहा है। सोचिए 5 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, आप मान लीजिए कल दोपहर को बस थी 4:30 बजे, 24 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये देखो ड्राई फ्रूट्स बॉक्स भी लगभग ख़त्म हो चुका है। अब वो क्या बताऊँ, अगर आप इस रूट पर या इस बस में ट्रैवल कर चुके हैं दोस्त, अपना एक्सपीरियंस ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कोई भी रेस्पॉन्सिबल आदमी बस में नहीं है, दैट इट शुड रीच ऑन टाइम। अब पता नहीं यार, 2 घंटे तो दिखा रहा है, अब देखते हैं मैं कब पहुँचूँगा। फाइनली दोस्त, फाइनली टाइम हुआ है 7:45 PM, और अब मैं पहुंच चुका हूं गांधी मैदान बस स्टैंड, बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। मज़ा आ गया, बट दोस्त लग गए, बहुत बुरी हालत है। ये देख लो आप बस स्टॉप, पीछे आप पब्लिक देखो, तो मैं थोड़ा साइड में आके व्लॉगिंग कर रहा हूं। भाई आप पब्लिक देखिए, मे बी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, क्या वहाँ पर पब्लिक है। उम्मीद है दोस्त आपको व्लॉग में मज़ा आएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी तो YouTube वाकई में इतना मेहनत करा देती है, बट ध्यान रखिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है? तो बस इसी तरह मेरे साथ हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। अब यहाँ से मैं जाऊँगा कहीं और, और एक और चीज़, जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो मैं पटना से ऑलरेडी कहीं और निकल चुका हूँ इस तरफ, बिकॉज अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है इस तरफ, आप देख लो सब BSRTC की ना जाने कितनी बसेस, ठीक है? अब जाएंगे, शावर लेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे और सो जाएंगे बस, ठीक है? टाटा, टेक केयर।